हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो दिव्यांगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप दिव्यांग हैं और आप पूरे भारत में कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग विधवा ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दिव्यांगों को क्या क्या समस्याएं हैं और दिव्यांगों के जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं, और दिव्यांगों को सरकारी योजनाएँ कैसे मिलनी चाहिए, और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो बढ़ोतरी कैसे होगी, दिव्यांगों को लोन कैसे दिया जाएगा, दिव्यांगों को आवास कैसे दिया जाएगा, दिव्यांगों को मजदूरी कैसे मिलेगी, दिव्यांगों को पेंशन में बढ़ोतरी कैसे होगी और कितने रुपए महीना पेंशन होनी चाहिए, रोजगार कितना होना चाहिए, लोन कितना मिलना चाहिए, शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें कवर करेंगे। और दिव्यांगों की क्या क्या समस्याएँ हैं, देखिए मैंने ये जो दिव्यांगों की समस्याएँ हैं एक नोट कर रखी हैं। 20 समस्याएं मैंने दिव्यांगों की नोट की हैं, और जो भी समस्याएं होंगी वे आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कौन से राज्य से, कौन से जिले से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो सही है, जो मांगे होनी चाहिए दिव्यांगों की नहीं होनी चाहिए, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है। दिव्यांगों की जितनी भी समस्याएं हैं, हम दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से मांग करेंगे और सोशल पार्लियामेंट में अपनी मांग पहुंचाएंगे। यानी जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में दिव्यांगों का ना तो कोई मुद्दा उठाता है ना कोई बात उठाता है, तो अब सोशल पार्लियामेंट जो है यूट्यूब के जरिए, सोशल के जरिए जो है हम पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुँचाएंगे, जिसका नाम रखा गया है सोशल पार्लियामेंट, ठीक है। और वह योजनाएं कौन कौन सी हैं जो दिव्यांगों को मिलनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस व्हाट्सअप में ज्वाइन होना है। और व्हाट्सअप में कोई भी बदतमीजी ना करें, प्राइव वैसी जो है चालू रहेगी। अगर आपने किसी ने भी बदतमीजी की या फालतू के मैसेज किए तो तुरंत उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा और प्राइवेसी लगाने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा, फिर मुझे प्राइवेसी लगानी पड़ेगी। जो भी न्यूज़ आएगी विकलांगों से रिलेटिव, वो सिर्फ आपको जो है ग्रुप में भेजनी है, और कोई फालतू चीज़ें ग्रुप में नहीं भेजी जाएगी, ना कोई धार्मिक सिस्टम भेजा जाएगा, तो ना कोई वैसी धार्मिक न्यूज़ भेजी जाएगी। ओनली दिव्यांग से रिलेटिव ही योजनाएं जो भी जानकारी है वो ग्रुप में भेजी जानी है। जो जानकारी हमें मिलेंगी वो जानकारी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, कोई कॉल नहीं करना, जो भी जानकारी होगी व्हाट्सएप पे भेजें। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए जो है आपको रिप्लाई करता हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं जो योजनाएँ हैं वो योजनाएँ क्या क्या दिव्यांगों की होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो योजना है दिव्यांगों का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पेंशन का है। देखिए, दिव्यांग के जो समस्या है सबसे बड़ी वो पेंशन को है। पूरे भारत में जो दिव्यांगों की पेंशन है वो एक समान होनी चाहिए, क्योंकि जो गैस सिलेंडर आता है, महंगाई है वो बराबर है, गैस सिलेंडर के रेट एक ही जगह है, यानी एक पूरे भारत में एक से हैं। तो दिव्यांगों की योजनाएं एक होनी चाहिए। दिव्यांगों की पेंशन किसी राज्य में कुछ है, किसी राज्य में कुछ है, ऐसा नहीं, दिव्यांगों की पेंशन एक समान होनी चाहिए। राजस्थान में पेंशन 1150 रुपये महीना है, यूपी में दिव्यांगों की पेंशन 1000 रुपये महीना है, और बिहार में दिव्यांगों की पेंशन कुल 400 रुपये महीना है, और मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की पेंशन कुल 600 रुपये महीना है। तो दिव्यांगों की पेंशन 15000 रुपये महीने के हिसाब से होनी चाहिए, जब जाकर सरकार जो है 5000 रुपये महीना दिव्यांग की पेंशन करेगी। हम जो अपनी मांग करेंगे सरकार से वो 15000 रुपये महीने की मांग करेंगे, और दिव्यांगों की पेंशन हमें कम से कम 5000 रुपये महीना मिलेगी। दिव्यांगों को अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा और दिव्यांगों को एकता करनी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन किया जाएगा तो सभी दिव्यांगों को वहां पर पहुंचना है। दिव्यांगों की जनसंख्या करोड़ों की तादाद में है,
11 करोड़ के आसपास पूरे भारत में दिव्यांग हैं। और मैं अपने जिले की बात करता हूं तो मेरे जिले में 50,000 दिव्यांग हैं, कुल एक जिले में 50,000। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक पेंशन की बात बता दी मैंने, दिव्यांगों की जो पेंशन है सभी राज्य में 15,000 रुपये की हम मांग करेंगे। 5,000 रुपये महीना पेंशन दिव्यांगों की होनी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप जब एक साथ होकर लड़ेंगे तो हमारी मांगें भी जरूर पूरी होंगी। दूसरा मुद्दा है रोजगार का, दिव्यांगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार कैसे दिया जाए दिव्यांगों को? देखिए, दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए सरकार को हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए और उसी जिले में दिव्यांगों के लिए सरकार को कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी योजना निकालनी चाहिए जो दिव्यांगों को रोजगार मिल सके, उसमें दिव्यांग ही वर्क कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये दिव्यांगों के लिए रोजगार होना चाहिए। और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं सभी में दिव्यांगों को छूट मिलनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी वाले जो दिव्यांगों को नौकरी पर नहीं रख पाते हैं तो ये जो है नौकरियों पर रखना चाहिए दिव्यांगों को। ठीक है, और एक योजना ये होगी। दो नंबर तीन पे है दिव्यांगों की मजदूरी। देखिए, दिव्यांगों की मजदूरी जो है प्राइवेट कंपनी में काम करे या कहीं काम करे, दिव्यांगों की मजदूरी कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। दिव्यांगों की मजदूरी जो है 600 रुपये प्रतिदिन होगी तो अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। दिव्यांगों को पालन पोषण करने में कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। दिव्यांगों की तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, जबकि दिव्यांगों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं सरकार चाहे तो निकाल सकती है। वो योजनाएं क्यों नहीं निकाल पा रही? क्योंकि हम में एकता नहीं है। जिस दिन हम में एकता हो जाएगी तो दिव्यांगों के लिए जरूर रोजगार मिलेगा। अब देखिए, यूपी की अगर हम बात करें तो दिव्यांगों के लिए रोजगार क्या मिल सकता था? हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक रखा गया है। अगर सरकार चाहती तो उसमें ऑप्शन दे सकती थी कि इसमें जो है रोजगार पंचायत सहायक जो होगा वो दिव्यांग होगा, क्योंकि दिव्यांग भी पढ़े लिखे कम नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पर सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार ने नहीं कहा, ऑप्शन रख दिया है जो जिसके परिवार में से कोरोना की डेथ हुई है वो रखा जाएगा या सकलांग व्यक्ति रखा जाएगा, विकलांग नहीं रखा जाएगा। तो अगर हम में एकता होगी तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। और दिव्यांगों का आवास दिया जाए, यानी दिव्यांगों को अनिवार्य रूप से आवास दिया जाए। दिव्यांगों की आवास जो योजना है वो अलग से निकाली जाए। दिव्यांगों को आवास के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, क्योंकि 1,20,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, उसमें भी सकलांग व्यक्ति फ़ायदा उठाकर ले जाते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाता है। तो दिव्यांग का जो आवास होना चाहिए वो 5 लाख रुपए का आवास होना चाहिए। और दिव्यांगों के लिए एक योजना ये है, जो दिव्यांगों का अंत्योदय राशन कार्ड बनना चाहिए। हमने ध्यान दिया है, हमने गौर किया है अपने एरिए में, जो अंत्योदय राशन कार्ड होता है उसमें जो एक पात्र व्यक्ति होते हैं वे फायदा उठा रहे हैं, वे लाभ ले रहे हैं, और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका पात्र राशन कार्ड भी बना हुआ नहीं है। देखिए, अंत्योदय राशन कार्ड क्या होता है? अंत्योदय राशन कार्ड वो होता है जिसमें 35 kg राशन फ्री दिया जाता है, चाहे एक यूनिट हो चाहे आपके 2 यूनिट हो। तो अंत्योदय राशन कार्ड अनिवार्य रूप से दिव्यांग का बनना चाहिए। दिव्यांग को रोजगार के लिए लोन दिया जाना चाहिए। दिव्यांग को जो लोन दिया जाए वो दिव्यांग को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाए और बिना ब्याज के लोन दिया जाए, बिना गारंटी के लोन दिया जाए। सरकार चाहे तो दिव्यांग को बिना गारंटी के बिना ब्याज के 10 लाख का लोन दे सकती है। अगर लोन मिल जाता है तो दिव्यांग अपना कोई भी रोजगार कर सकता है और पालन पोषण आराम से अपना कर सकता है। दिव्यांगों का लाइट बिल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। पूरे भारत में कोई से भी राज्य का दिव्यांग होना चाहिए तो उसका जो लाइट बिल, लाइट कनेक्शन, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दिव्यांगों की शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। और जो दिव्यांगों के बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा बिल्कुल फ्री में होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। नंबर 12 पर है दिव्यांगों को बस यात्रा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जो जितने भी दिव्यांग होते हैं, कुछ राज्य में दिव्यांगों की बस यात्रा फ्री है, वो भी सरकारी बस में। दिव्यांगों की सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो, सभी में यात्रा फ्री होनी चाहिए। और जो 80% से ऊपर को दिव्यांग हैं जो मजबूर हैं, उनके साथ में एक बंदा बिल्कुल फ्री होना चाहिए।
दिव्यांगों का जो UDID कार्ड होता है वो UDID कार्ड सभी योजना में काम करना चाहिए। दिव्यांग के जो रेलवे किराया होता है, रेलवे कार्ड जो अलग से बनाना पड़ता है किराए के लिए, तो उसमें UDID कार्ड चलना चाहिए, ताकि रेलवे कार्ड नहीं UDID कार्ड से ही रेल यात्रा भी फ्री होनी चाहिए पूरे भारत में। क्योंकि रेलवे कार्ड जब बनवाने जाते हैं दिव्यांगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं और अधिकारी लोग उनको परेशान भी करते हैं कि उस तारीख में आना। इसी तरह से दिव्यांग चक्कर काटता रहता है और उसका काम नहीं हो पाता है। तो UDID कार्ड के जरिए ही रेल यात्रा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, तो दिव्यांगों को जो है 5% का आरक्षण मिलना चाहिए। दिव्यांगों को राजनीति में टिकट मिलना चाहिए। दिव्यांगों की जो नौकरी में आरक्षण है वो 4% का आरक्षण है। दिव्यांगों की नौकरी में आरक्षण 4% से बढ़ाकर 10% कर देना चाहिए। दिव्यांग की नौकरी जितनी भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, 10% आरक्षण दिव्यांगों को मिलना चाहिए। जितने भी शहरी दिव्यांग हैं, कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, तो उनको दिव्यांगों को फ्लैट मिलना चाहिए, बना बनाया एक मकान मिलना चाहिए। दिव्यांग अधिनियम 2016 चालू होना चाहिए, क्योंकि जो दिव्यांगों को अहीन भावना से देखा जाता है और दिव्यांगों के साथ जो मारपीट की जाती है, 2016 अधिनियम चालू हो जाएगा तो दिव्यांगों के साथ मारपीट भी नहीं होगी। और काफ़ी सारी जो योजना है अधिनियम 2016 में, ये जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए पूरे भारत में। दिव्यांगों का अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और दिव्यांगों का सभी अस्पतालों में फ्री इलाज होना चाहिए। दिव्यांगों की शादी अनुदान योजना जो होती है उसकी राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर देनी चाहिए। अगर दोनों आपस में दिव्यांग हैं तो 1,00,000 रुपये राशि उनकी करनी चाहिए। अगर एक विकलांग है और एक सकलांग है तो उनकी 50,000 रुपये शादी अनुदान राशि करनी चाहिए। और वे शादी पूरे भारत में कोई से भी राज्य से, कोई से भी जिले से कर लें तो इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब जो अनुदान राशि दी जाती है उसमें ऐसा है कि अपने ही ज़िले में शादी होनी चाहिए, पूरे भारत में कहीं पर भी शादी हो उनकी राशि जो है, अनुदान राशि जो होती है 1,00,000 रुपये करनी चाहिए। ये जो योजना है दिव्यांगों को मिलनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि योजनाएँ सही हैं या गलत हैं। तो दोस्तों, आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और हम आपको जितनी भी योजनाएं आएंगी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेज दिया करेंगे। आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने ज़िले के हिसाब से जानकारी लेकर उस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जितनी भी दिव्यांगों की मांगे हैं, हम दिव्यांगों की मांगे सरकार तक पहुँचाएंगे। पार्लियामेंट में दिव्यांगों की मांगों को रखा जाएगा और दिव्यांगों की मांगे पूरी भी होंगी। देखिए, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको अगली वीडियो में एक और योजनाएं बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे करना है। पूरे भारत में कहीं के भी दिव्यांग हैं, आपको एक पर्ची लेनी है, उस पर्ची में आपको अपना नाम लिखना है और अपने पिता का नाम लिखना है, अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना है, अपना गाँव, शहर, तहसील, थाना, ब्लॉक, ठीक है, और पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर और आपकी दिव्यांगता क्या है। आप हाथों से दिव्यांग हैं, पैरों से दिव्यांग हैं और कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं, एक पर्ची पर लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। हम आपका डाटा रिकॉर्ड करेंगे, जहां पर भी मीटिंग होया करेगी तो आपको जो है कॉल करके बता दिया जाया करेगा। आपको जो है धरना प्रदर्शन में जरूरी आना है। दिल्ली के अंदर दिव्यांगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में हम दिव्यांगों की समस्याओं को, ये योजना है दिव्यांगों की समस्याएँ रखेंगे, ज्ञापन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।